उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 878 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आज उत्तराखंड में कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 40,963 पहुंच गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज सबसे ज्यादा देहरादून में 408 मामले मिले हैं, जबकि हरिद्वार में 176, पौड़ी में 55, नैनीताल में 48, टिहरी में 48, उत्तरकाशी में 44, पिथौरागढ़ में 31, अल्मोड़ा में 17, चमोली में 14, रुद्रप्रयाग में 13, उधम सिंह नगर और चंपावत में 11 और बागेश्वर में 2 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तराखंड में आज कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एम्स ऋषिकेश में 6, दून मेडिकल कॉलेज में 1, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मरने वालों का कुल आंकड़ा 491 हो गया है। डॉक्टरों की अनदेखी के चलते दम तोड़ रहे हैं कोरोना मरीज। तो देवी सिंह देहरादून के बुग्गावाला में रहते थे, इनकी मृत्यु कोरोना के कारण एम्स ऋषिकेश में हो गई, जो डॉक्टर की लापरवाही से इस दुनिया से चले गए और इन्होंने जाने से पहले यह वीडियो बनाई है और डॉक्टर की कार्यशैली पर सवाल उठाए और अब तक स्वास्थ्य विभाग ने इनके घर में सैनिटाइजर तक नहीं कराया। यह बहुत गरीब परिवार से थे, इनका 1 साल का बच्चा भी है। पॉजिटिव होने पर इनको एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया, पर इनका उपचार सही से नहीं हुआ, डॉक्टरों की लापरवाही से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी माताजी भी कोविड पॉजिटिव थी, जो 2 दिन पहले उनकी भी मृत्यु हो गई। यह व्यक्ति वीडियो में बता रहे हैं कि डॉक्टर को बार बार बुलाने पर भी डॉक्टर उनके पास नहीं आए और उनका हालचाल नहीं पूछा। वहीं दूसरी ओर सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती एक और मरीज की रात को ऑक्सीजन खत्म हो गई और उसने भी दम तोड़ दिया। किसी ने कुछ नहीं दिया, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा, या तो इसको काट के फेंकवा दे। ये झूठ बोल रहे साले कि किसी ने दवाई दी है, इंजेक्शन दिया है, ठीक है, किसी ने कुछ नहीं दिया अभी तक, सब झूठ बोल रहे। जितने डॉक्टर को बुलाता हूँ सब ये कहते हैं आ रहे भी दे रहे, सब झूठ बोल रहे। देख ले भाई क्या करना, भाई बता दे, नहीं तो छुट्टी करा दे मेरी, अभी करा दें यहाँ से, ठीक है। बहुत भयंकर दर्द है, पिछले 2 दिन से बहुत भयंकर दर्द है, बहुत दर्द है मेरी टांग में। देख ले वीडियो भेज रहा हूँ, ये सब लोग झूठ बोल रहे। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश एयरलिफ्ट कर गुरुग्राम रवाना हुई, आई कोरोना पॉजिटिव। तो इंदिरा हृदयेश कोरोना पॉजिटिव आई थी, उनको एयरलिफ्ट कर गुरुग्राम रवाना किया गया है, उनका इलाज मेदांता अस्पताल में किया जाएगा। बता दें कि बीते दिन नेता प्रतिपक्ष के बेटे सुमित के साथ एयरलिफ्ट कर दून पहुंची थी और मैक्स अस्पताल गई थी, लेकिन अलग कमरा न मिलने के कारण वो नाराज होकर सिनर्जी में भर्ती हुई, लेकिन अब वो बेहतर इलाज के लिए सिनर्जी अस्पताल से रिलीफ होकर के सदारा हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से गुरुग्राम रवाना हो गई। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना सरकार को आड़े हाथ लिया। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अब राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई है, इसे पता चलता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो फिर राज्य की आम जनता को क्या करना होगा। सीएम से इस्तीफे की मांग, बोली आप बता दीजिए कहां थाली पीटनी है और कहां दिए जलाने हैं। कांग्रेस नेता शिल्पी अरोड़ा ने त्रिवेंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफे की मांग की। शिल्पी अरोड़ा ने कोरोना के बिगड़ते हालातों को देखते हुए सरकार को घेरते हुए कहा कि आप प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बावजूद इसके स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल बेहाल हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री जी, आप इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप कोविड को हैंडल करने में पूरी तरह से नाकाम हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे एक मजाक हो रहा है, आपके यहाँ बेड नहीं है, आपके यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, 3-3, 4-4 दिन टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है। आप कहीं भी कोविड के जितने भी पीड़ित हैं, आप भी बता दीजिए जनता को कि कहाँ दिए जलाने हैं और कहाँ थाली पीटनी है और कहाँ उनको भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है। अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है इस प्रदेश में और आज आपने सारी हदें पार कर दी हैं। इंदिरा हृदयेश जी जो हमारी वरिष्ठतम नेता हैं, उनको आपने हल्द्वानी से देहरादून लाकर भी बड़े प्राइवेट अस्पताल में आप उनको कमरा उपलब्ध नहीं करा पाए, उनको एक नर्सिंग होम में भेजा गया और अब उनको दिल्ली भेजा जा रहा है। जब आप उनको ट्रीटमेंट नहीं करा सकते तो प्राइवेट लोगों को क्या, आम जनता को क्या उम्मीद रखनी चाहिए आपसे। सब भगवान भरोसे चल रहा है, आपको इस सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप तुरंत रिजाइन दीजिए, क्योंकि 40% पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और अभी भी
बहुत कम टेस्टिंग हो रही है। अगर टेस्टिंग ज्यादा हुई तो आप सोच सकते हैं क्या कोरोना ब्लास्ट होने वाला है। सोचने का विषय है क्यों 4 संक्रमित से आज 40,000 संख्या पार कर गई है। आपको ये सोचने की जरूरत है। आपको इस सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप तुरंत रिजाइन करिए।